नमस्कार दोस्तों एक ऐसी जबरदस्त वनस्पति लेकर के आया हूं जो आपके चेहरे पर कभी बुढ़ापा नहीं आने देगा हमेशा आपकी त्वचा को जवां और खूबसूरत बनाए रखेगा साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके दांत गंदे पीले काले हैं तो आपके दांतों को चमकाने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सभी लोगों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है वीडियो है दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो है बहुत थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा एक बार इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देख लीजिएगा आज नहीं तो कल आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपका पैसा वक्त दोनों बर्बाद होने से बचेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि चेहरे को हमेशा जवा बनाए रखने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती कुछ भी सूट नहीं करता कोई भी क्रीम सूट नहीं करती उन्हें समझ में नहीं आता चेहरे पर लगाए तो क्या और जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं जो हज़ारों हज़ारों रुपए की क्रीम में जो नहीं ख़रीद सकते उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में प्राकृतिक तरीके से यह आपके चेहरे के कालेपन को गंदगी को मैल को दाग धब्बों को पिंपल्स के निशान को मिटाकर आपके चेहरे को एकदम साफ और आपके त्वचा को एकदम ग्लोइंग बना देगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चेहरे को साफ करने के लिए फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा दांतों को चमकाने के लिए क्या करना है तो दोस्तों चेहरे को साफ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सदाबहार के फूल लेने हैं ये सदाबहार का फूल है जो हर जगह बड़े आसानी से मिलता है सालों भर खिलता है किसी भी रंग का आपको यह सदाबहार इसे पेरी विंकल कहते हैं सदाबहार बाहर के आप लगभग पाँच से छः फूल ले लें और इन फूलों में हल्का सा पानी डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस करके इसे बिल्कुल बारीक पीस लें बिल्कुल चटनी की तरह और इसके पेस्ट को लेकर के अपने चेहरे पर लगा लें पंद्रह मिनट तक लगा करके रखें पंद्रह मिनट के बाद धोलें हर दिन एक बार आप इसका प्रयोग करें सुबह में दोपहर में शाम में रात में जब भी आपको मौका मिलता है एक बार कर लें आप पाएंगे कि यह आपके चेहरे के दाग धब्बों को कालेपन को मिटा कर आपके चेहरे को बुढ़ापे से बचाएगा हमेशा जवान बनाए रखेगा दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके दाँत गंदे हैं पीले हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ठीक से ब्रश नहीं करते कॉफ़ी चाय का सेवन करते हैं उनके दांत गंदे और पीले होते हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो बीड़ी गुट का तंबाकू इनका सेवन करते हैं और उनके दांत तो इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए उनका दोस्तों दाँतों का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने भी अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें आप हर दिन स्नान करें आप कितना भी साफ रहें अगर आपके दाँत काले हैं और पीले हैं अगर आप अपना मुँह खोलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि आप अपनी आपकी हाइजीन अच्छी नहीं मतलब आप गंद गंदे रहते हैं तो दांतों का साफ होना कितना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों तो दोस्तों किसी भी कारण से अगर आपके दांत गंदे हैं और पीले हैं आप दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीम के कोमल पत्ते लें नीम के कोमल पत्ते लें चार से पाँच चार से पाँच नीम के कोमल पत्तों को ले करके उसे पीस लें और अगर आपको नीम का ताज़ा पत्ता नहीं मिलता है तो नीम के पत्त सूखे पत्ते हैं या नीम का पाउडर भी सूखा हुआ आपको कहीं से मिल जाता है तो आप उसका आधा चम्मच लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं तो नीम के पत्तों को आप लेकर के उसे पीस लें उसमें एक चुटकी आपको सफ़ेद नमक खाने वाला मिलाना है और एक चुटकी लौंग का पाउडर और एक चुटकी आपको उसमें हल्दी मिक्स करके इन सबको मिक्स करके इससे दिन में एक बार दंत मंजन की तरह पेस्ट की तरह दिन में एक बार आप इससे ब्रश करें आप पाएंगे कि यह आपके गंदे पीले दांतों को मोतियों के जैसा सफेद और चमकदार बना देगा और आपके मुंह की बदबू भी खत्म होगी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा